हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन पिछले साल से कोरोना की वजह से उन्हें तीर्थ पर जाने के लिए नहीं मिल पाया है। लेकिन इस बार जो दूसरी लहर का असर कम हुआ है, तो वहीं लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि अब श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन का मौका मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में चार धाम की यात्रा को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इसके लिए सरकार ने संशोधित SOP जारी की है। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की थी। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान कैबिनेट के एक फैसले को पलटते हुए यात्रा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने तीर्थस्थलों से जुड़ी भावनाओं को ध्यान रखते हुए सरकार से मंदिरों में चल रही रस्मों और समारोह का देश भर में सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था को जोर देने को कहा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने यात्रा के दौरान पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर असंतोष जाहिर किया था। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य मंत्रिमंडल के उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के निवासियों को 1 जुलाई से हिमालयी धामों के दर्शन की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने पुरी के उदाहरण को देते हुए कहा था, श्रद्धालुओं की भावना का पूरा एहसास है और सरकार चारों धामों की पूजा का TV पर लाइव प्रसारण करे। सरकार की ओर से इस बात पर आपत्ति करते हुए कहा गया था कि यह शास्त्र सम्मत नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब शास्त्र लिखे गए थे तब TV नहीं होता था, तो ये व्यवस्था कैसे दी जा सकती थी। कोर्ट ने कहा है कि जैसे उड़ीसा के जगन्नाथ में लाइव प्रसारण की व्यवस्था है, वैसे ही प्रबंधन यहाँ भी किया जाए। ECP 24, नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।